मोदी ने की बाइडेन से बात, कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन पर की चर्चा। सिब्बल को अधीर रंजन ने दिखाया आईना, कहा बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण नहीं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 38,617 नए केस मिले, 474 मरीजों की मौत। गुजरात में वडोदरा के पास आईसर ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत, 10 की मौत, 15 घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, गोधन संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का होगा गठन। छठ पूजा के लिए योगी सरकार की एडवाइजरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। मुरादाबाद में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। आगरा एक्सप्रेस वे पर सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे हटाए गए, डीके ठाकुर होंगे लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। लखनऊ में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर हटाए गए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में और झांसी के आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छोटे बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद के लिए पत्रकार कल्याण योजना संचालित। कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश संजीव और बंटी सागर साथी समेत गिरफ्तार। कोच्ची मेट्रो का बड़ा फैसला, यात्रियों को साइकिल ले जाने की दी अनुमति। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।